सो एक बार फिर से स्वागत है फ्रेंड्स आप लोगों को मेरे चैनल एमकेएस वीडियोज में। तो आज के ये वीडियो गाइस आप लोग मिस मत करना, नहीं तो आप लोग कुछ और मिस कर दोगे, क्योंकि गाइस 5 से 6 दिन बचा है अमेजोन और फ्लिपकार्ट सेल स्टार्ट होने में, और इस सेल में मुझे पता है कि कौन क्या लेने वाला है। मैं 110% बोल रहा हूँ गाइस कि इस सेल में आप लोगों का ज़्यादा ज़्यादा आईफोन ही बिकेगा, यहाँ तक मैं भी लेने वाला हूँ, मैं भी एक कस्टमर हूँ। और यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी है गाइस जो पूरा कन्फ्यूजिया गए हैं, क्या हो गए कन्फ्यूजिया गए कि कौन सा मोबाइल ले, कौन सा आईफोन ले, क्योंकि गाइस जितने भी 50,000 के नीचे मोबाइल आ रहे हैं सारे आईफोन में आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 5,000 का डिफरेंस है, जिसमें मैं आप लोगों को आगे मैं बताऊंगा। जितने भी लोग यहाँ पर कन्फ्यूज हो रहे हैं तो सारा इस वीडियो में मैं आप लोगों को डाउट क्लियर करने वाला हूँ, वो भी डिटेल के साथ बताऊंगा गाइस किसके लिए क्या जरूरी है, कौन सा मोबाइल लेना सही रहेगा, सारा इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लियर करने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक देखना गाइस, क्योंकि पैसा आप लोगों लगाना है, आप लोगों को डिसाइड करना कि कौन सा मोबाइल लेना है, मुझे नहीं लगाना है। तो मैं आप लोगों को पहले ही बता दूंगा कि कौन सा मोबाइल लेना है आप लोगों के लिए सही रहेगा, कौन सा नहीं। तो वीडियो को एंड तक देखना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, उसके बाद ही वीडियो को आगे कंटिन्यू करना, नहीं तो स्किप करके जा सकते हो। तो जैसे गाइस मैं हूँ एंड्रॉयड यूज़र, आप लोग भी हो, और अगर आप लोग आईफोन में स्विच करना चाहते हो तो मैं आप लोगों को सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप लोग आईफोन लो, क्योंकि गाइस जो आप लोग एंड्रॉयड में कर सकते हो वो आईफोन में इम्पॉसिबल है। जैसे गाइस मैं अपना ही बताता हूँ, मैं अपने मोबाइल में 4-4 व्हाट्सअप रखता हूँ, और चारों लोग ही नहीं है, एक स्टॉक है, 1 GB व्हाट्सअप है, 1 GB व्हाट्सअप है, एक कुछ और व्हाट्सअप है। तो इस तरह का अगर आप लोग 4 को रखना चाहते हो आईफोन में तो ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को थर्ड पार्टी एप्लीकेशन कभी मिलेगा ही नहीं। तो यहाँ पर मैं फ़ोनपे भी 2-2 रखा हूँ, गूगल पे भी, पेटीएम भी, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन जो मैं यहाँ पर डुअल करके रखा हूँ, जो कि गाइस आईफोन में तो ये इम्पॉसिबल है। और भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि गाइस आप एंड्रॉयड में कर सकते हो, बट आईफोन में तो ये ना के बराबर है। तो आप लोग बहुत ही सोच समझ कर डिसाइड करना कि आप लोगों को एंड्रॉयड में जाना है या आईफोन में जाना है। सो चलिए आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर गाइस मैं आप लोगों को बात करूँगा आईफोन 11, आईफोन 12 या आईफोन 13, तो ये 3 सीरीज का ही बात करूँगा, उसके अलावा और कोई भी मोबाइल का नहीं बात करूँगा। तो इस सीरीज़ में आप लोगों को जो सबसे लो बजट में है आईफोन 11, तो ये बहुत ही बेस्ट डील होने वाला है इस सेल में गाइस, और सबसे ज़्यादा बिकेगा, क्योंकि गाइस अभी भी आप अगर सेकेंड हैंड शॉप पर जाओगे आईफोन 11 लेने के लिए तो वहाँ पर आप लोगों को 25 से 30 हज़ार ही वो लोग बोलेंगे प्राइस। तो यहाँ पर आप लोगों को 25 से 30 हज़ार में न्यू आईफोन मिल रहा है, तो आप लोगों के ये बेस्ट डील होना ही है। बट यहाँ पर आप लोगों को कुछ कॉम्प्रोमाइज़ के साथ ये मोबाइल को लेना होगा। यहाँ पर आप लोगों को 5G नहीं मिलता है इस मोबाइल में, जी हाँ, यहाँ पर आप लोगों को 5G नहीं मिलता है। तो यहाँ पर आप लोगों को इंडिया में 1 साल के अंदर 5G देखने को मिल जाएगा। तो गाइज अगर आप लोग इतना पैसे फंसा रहे हो तो बेशक है कि गाइज आप लोग यहाँ पर 1 से 2 साल इस मोबाइल को चलाने वाला हो, बस आप लोग सोच समझ कर डिसाइड करना कि आप लोगों को 5G का ज़रूरत है या नहीं। और यहाँ पर गाइज जो डिस्प्ले है बहुत ही बेकार है, IPS डिस्प्ले यहाँ पर आप लोगों को मिलता है, कोई भी सुपर एमोलेड या OLED नहीं है, मतलब कि OLED ही यहाँ पर आप लोगों को यूज़ होता है, सुपर एमोलेड नहीं, बट यहाँ पर आप लोगों को IPS ही मिलता है, ये आप लोगों को ध्यान रख के लेना होगा, बहुत ही बेकार डिस्प्ले। बस गाइज अगर आप लोगों का बजट 25 से 30 हज़ार है तो ये डील आप लोगों के लिए बेस्ट है। बट गाइज रुको, अगर आप लोगों के पास 5,000 और एक्स्ट्रा है तो यहाँ पर आप लोग आईफोन 12 मिनी ले सकते हो, और इस 5,000 में आप लोगों को क्या क्या मिलने वाला है एक्स्ट्रा देने पर तो मैं आप लोग बता दे रहा हूँ। यहाँ पर आप लोगों को पहले तो 5G मिल जाता है, और यहाँ पर आप लोगों को अच्छा डिस्प्ले भी मिल जाता है, मेन तो डिस्प्ले है गाइस, यहाँ पर आप लोग बहुत ही अच्छा डिस्प्ले मिल जाता है, और यहाँ पर आप लोगों को जो कैमरा है इससे ज़्यादा इम्प्रूव मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव है। तो गाइस अगर आप लोग सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हो, रील्स वगैरह यूट्यूब वगैरह बनाते हो, तो आप लोगों के लिए आईफोन 12 मिनी बहुत ही बेस्ट डील है, जी हाँ, इसका कैमरा तो बहुत ही अच्छा है गाइस आईफोन 11 से, 5,000 में आप लोगों को बहुत ही अच्छा अच्छा चीज़ मिल रहे हैं। बस आप लोगों को ये जो मोबाइल है बहुत ही छोटा है, ये मेरा हाथ देख रहे हो, इससे भी आप लोगों को छोटा मोबाइल मिलेगा, तो बहुत ही ज़्यादा छोटा डिस्प्ले है गाइस। यहाँ पर आप लोगों को 5.4 इंच का डिस्प्ले मिल जाता है, जो कि ये देख सकते हो 6.5 इंच का है, तो कितना बड़ा है, तो वो आप लोगों को 5.4 इंच का डिस्प्ले मिलता है। बट आप लोगों को कैमरा, डिस्प्ले, सारा कुछ यहाँ पर आप लोगों को आईफोन 11 से बेस्ट मिलता है 5,000 एक्स्ट्रा देने पर। बट यहाँ पर रुको, यहाँ पर एक और बाबा खड़ा है जिसका नाम है आईफोन 12, इसमें 5,000 अगर आप और एक्स्ट्रा देते हो तो यहाँ पर आप लोगों को आईफोन 12 मिल जाएगा। बट यहाँ पर गाइस आप लोगों को अभी लिस्ट नहीं हुआ है फ्लिपकार्ट में, बट यहाँ पर आप लोगों को अमेजोन में यह फिक्स है कि आप लोगों को यह 40,000 के अराउंड में मिलने वाला है, ये मैं श्योर हूँ। तो 40,000 के अराउंड में आप लोगों को यह बेस्ट डील होने वाला है, इसमें आप लोगों को बस आप लोगों को डिस्प्ले बड़ा मिलेगा, बाकी सेम आप लोगों को आईफोन 12 मिनी के जैसा ही मिलेगा। तो आप लोग देख लो कि कौन सा बजट आप लोगों के लिए सही है, अगर आप लोग 5,000 और एक्स्ट्रा देते हो तो आप लोगों को बड़ा डिस्प्ले और बड़ा बैटरी भी मिल जाएगा,
बाकी आप लोगों का ऊपर डिपेंड है कि आप लोग किस डील पे जाना चाहते हो। बट गाइज अभी रुको रुको रुको, यहाँ पर एक और डील फिर से आ गया है, आईफोन 13 मिनी, जो कि गाइज 5000 और एक्स्ट्रा देते हो तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही बड़ा डील होने वाला है गाइज, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को सारा कुछ चेंज हो गया है। यहाँ पर आप लोगों को डिस्प्ले चेंज हो गया है, कैमरा चेंज हो गया है, बैटरी लाइफ चेंज हो गया है। अभी आप लोगों का अमेजोन में लिस्ट होगा, आप लोग यहाँ पर फ्लिपकार्ट में आप लोगों को ये शो नहीं करेगा, अमेजोन में अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर आप लोगों को बेस्ट डील होने वाला है आईफोन 13 मिनी, तो ये आप लोगों को 45 के लगभग में आएगा। फिर से गाइज एक और डील हो गया, यहाँ पर आप लोगों को आईफोन 13, जो कि गाइज ये आप लोगों को 50,000 के अराउंड में मिलेगा। बस गाइज वही है जो आप लोगों को 13 मिनी में जो कुछ मिलता है वो आप लोगों को 13 में मिलता है, बस आप लोगों को डिस्प्ले वो बड़ा मिल जाता है, बाकी आप लोग देख लो कि आप लोगों को किस डील पे जाना है। तो चलिए गाइज अब मैं आप लोगों का अपना ओपिनियन बताता हूँ कि आप लोगों के लिए बेस्ट डील कौन सा रहेगा। तो सबसे पहले गाइज जो आईफोन 11 है, अगर आप लोग वो ले रहे हो तो वो मत लो, आप लोग आईफोन 12 पे जाओ, आईफोन 12 आप लोगों को 37 में मिल जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, मैं भी ले रहा हूँ, वहाँ पर आप लोगों को ऑफर लगाकर कार्ड के साथ आप लोगों को 37 में ये मिल जाएगा। तो आप लोग आईफोन 12 भी लो, मिनी भी छोड़ दो, 11 भी छोड़ दो, क्योंकि गाइस 11 तो पुराना हो गया, बहुत ही ज़्यादा पुराना, 12 लो, बहुत ही अच्छा लुक भी है आप लोगों का, अच्छा डिस्प्ले भी मिल जाता है, अच्छा कैमरा भी मिल जाता है। बस यही मैं आप लोगों को बोलूँगा कि आप लोग आईफोन 12 भी लो। बट गाइस मैं आप लोगों को पहले भी बोल चुका हूँ, आप लोगों का बजट है उसी के हिसाब से आप लोग काम करो, किसी से अरेंज करने की ज़रूरत नहीं, ना किसी का EMI ऑप्शन में जाने की ज़रूरत है, आप लोग जितना बजट है उतने में आप लोग संतुष्ट रहो। 11 है, 11 भी लो, बेस्ट डील है, आप लोग 25 में ये मिल जाएगा। बस मैं आप लोग से यही कहना चाहता हूँ, तो जितना भी बजट है उतना में ही आप लोग संतुष्ट रहो। सो चलिए गाइस वीडियो कहीं पे समाप्त करते हैं, आशा है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। आज का वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।